आप जुट चुके हो सर, आप काव्य पाठ कर सकते हो। ठीक है सर, धन्यवाद भाई साहब। मैं सबसे पहले रामा नेगी जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमें समय दिया ताकि हम कुछ रचनाएं आपको सुना पाएं। मैं सभी अपने दर्शकों का, श्रोताओं का और विशेषकर किन्नौर चैनल का, राम भगत नेगी जी का आभारी हूं। चंद पंक्तियां मेरे काव्य संग्रह की जो मुझे बहुत पसंद हैं, मैं आज आपको नेचर पर ही कविताएं सुनाना चाहूंगा। प्रकृति पर ही कविताएं हैं मेरी सारी जो अभी तक लिखी गई हैं। उनमें से 151 कविताओं का प्रकाशन भी हुआ है, पुस्तक आप देख पा रहे हो। तो मन के वन में काव्य संग्रह है जी। इसी में से मैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दो चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। आज गर्मियों की शाम बड़ी उदास है, आज गर्मियों की शाम बड़ी उदास है। खामोशी का बसेरा मेरे आसपास है, मन में तेरे मिलन की एक आस है। मेरी कविताओं में जिक्र तेरा खास है, मेरी कविताओं में जिक्र तेरा खास। आगे देखिए सर, जैसे आजकल वर्षा नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं हुई और वर्षा की बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है, गर्मी बहुत है। उस पर लिखा है, पर्वत पर ना बदली बरसी, मधुर स्वपन में नदी न खोई। जंगल बहुत जोर से रोया, जवान पेड़ कटा जब कोई। जंगल बहुत जोर से रोया, जवान पेड़ कटा जब कोई। प्रकृति पर ही चार पंक्तियां देखना, आपको शायद पसंद आए। दोस्तों दोस्तों वक्त के हाथ में दोस्तों वक्त के हाथ में बहुत तेज आ रही है। आज कटते हैं पेड़, कल हमारी बारी है। आज कटते हैं पेड़, कल हमारी बारी है। अब जैसे बरसात का सीजन आने वाला है, तो मैं आह्वान करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सर सबको, आओ पुण्य कमाए। मौसम बरसात का है, दो चार पौधे लगाए। आओ पुण्य कमाए, मौसम बरसात का है, दो चार पौधे लगाए। वृक्षों पर लिखा है जी, साए जिनके हमें पालते हैं, साए जिनके हमें पालते हैं। हाय उन पेड़ों को हम क्यों काटते हैं, हाय उन पेड़ों को हम क्यों काटते हैं। मैं आप सभी का किन्नौर चैनल पर स्वागत करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा अपनी बात में कि मेरी सारी कविताएं ईश्वर को समर्पित हैं। और जैसा ओशो ने कहा है, ईश्वर को देखना हो तो हमें प्रकृति को देखना चाहिए। प्रकृति ही ईश्वर का घूंघट बनती है। ईश्वर से परिचित होना हो तो प्रकृति के करीब आओ, क्योंकि ईश्वर प्रकृति में ही छिपा है। प्रकृति उसका घूंघट है, आंख ही रास्ता बनती है। जरा आंख खोलो, जरा इस प्रकृति को पहचानो, जरा इस प्रकृति के प्रेम में उतरो। इस प्रकृति को छेड़ने दो तुम्हारे हृदय के तार,
प्रकृति से भागो मत, क्योंकि प्रकृति परमात्मा है। और मैं परमात्मा से ही अपनी कविता आरंभ करना चाहूंगा, कविता पाठ। पहली कविता देखिए जी, परमात्मा। राम भगत नेगी जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही? हेलो। हाँ जी आ रही है सर, आ रही जा। धन्यवाद धन्यवाद। कविता का शीर्षक है परमात्मा। जीवन के झरने को क्या डर है गिरने में, जीवन के झरने को क्या डर है गिरने में, नीचे आकर तो विराट हो जाना है, बहकर ही तो नवजीवन पाना है, सफर करके बूंद को सिंधु बन जाना है, सफर करके बूंद को सिंधु बन जाना है। पिघल हिमालय से हिमको नदी नालों में जाना है, बन सिंधु बादल बन जाना है, लौट कर झरना हो जाना है, जीवन नैया यूं ही चलती, जीवन नैया यूं ही चलती, आत्मा चोला बदलती, कुछ भी नहीं रहस्य, कुछ भी नहीं रहस्य, बस भ्रम का पर्दा है, प्रकृति रूप में स्वयं परमात्मा उतरता है, भ्रम का पर्दा है, प्रकृति रूप में स्वयं परमात्मा उतरता है। ध्यान चाहूंगा जी, पृथ्वी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में वह ही विचरता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में वह ही विचरता है। प्रकृति पर ही मैंने काम किया है, मेरे ख्याल 30-35 वर्ष में नदी नालों खालों गांव पहाड़ों पे रहा हूं, तो प्रकृति पर एक कविता और देखिए, कुदरत। कुदरत को अपना कर देखो, कुदरत को अपना कर देखो, दुनिया नई बसा कर देखो, कुदरत को अपना कर देखो, दुनिया नई बसा कर देखो, याद घने जंगल की यारो, घर में आप बुला कर देखो, याद घने जंगल की यारो, घर में आप बुला कर देखो, सारा घर आंगन महकेगा, गुल बूटे उगवा कर देखो, सारा घर आंगन महकेगा, गुल बूटे उगवा कर देखो, पास तुम्हारे सदा रहूंगा, पास तुम्हारे सदा रहूंगा, दिल से मुझे बुला कर देखो, बिन बादल होगी बरसात, आंखों को बरसा कर देखो, बिन बादल होगी बरसात, आंखों को बरसा कर देखो, मेरे मन के सुने घर में, मेरे मन के सुने घर में टीस भरी है आकर देखो, मेरे घर के सुने मन में टीस भरी है आकर देखो, सारा आलम महक उठेगा, जंगल कोई उगा कर देखो। एक आह्वान एक मैसेज भी हर कविता में देने का प्रयास किया है जी, सारा आलम महक उठेगा, जंगल कोई उगा कर देखो, जंगल में होता है उत्सव बरसातों में जाकर देखो, जंगल में होता है उत्सव बरसातों में जाकर देखो, दौर पुराना याद आ जाएगा।